नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। भारत मीडिया चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर बलिया से, जो अपने मां को बीडीसी नहीं बना सका, ब्लॉक प्रमुख क्या बनाएगा? ब्लॉक प्रमुख का विधायक पर तंज। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह को केक काटकर समर्थकों ने दी बधाई। ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्रीय विधायक पर किया तंज। जो अपने मां को बीडीसी सदस्य नहीं बना सकता, वह ब्लॉक प्रमुख क्या बनाएगा? आगे वीडियो में देखिए उनकी प्रेस वार्ता। बिल्थरा रोड बलिया, ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह को उनके सैकड़ों समर्थकों ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर केक काटकर उनके साथ सेल्फी ली और उन्हें शुभकामनाएं और बधाई संदेश दिया। मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि पहले के ब्लॉक प्रमुख कार्यकाल में जो कार्य नहीं हो सका, उन सभी कार्यों को पूर्ण कराने का कार्य करूंगा। पत्रकारों द्वारा उनसे तीखे प्रश्न पूछे गए, जिसमें यह प्रश्न भी रहा कि क्या आपको बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने जिताया, जिस पर उन्होंने कहा कि 118 बीडीसी सदस्य में कहीं भी बीडीसी सदस्य वह नहीं थे। यह एक मिथ्या आरोप है। वह बलिया के सांसद हैं, उन्हें इस पचड़े में डालना ठीक नहीं है। यहाँ यह जरूर है, उनका मेरे परिवार से और मुझसे पारिवारिक संबंध रहा है। आगे स्पष्ट कर दिया कि सांसद जी का सपोर्ट होता तो भाजपा से टिकट मुझे पहले मिलता। क्षेत्रीय विधायक धनंजय कनौजिया पर चुटकी ली, एक हमारे विधायक जी हैं, उनको ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो आम जनता को कैसे होगा? आप किसी को वोट देने से कैसे रोक सकते हैं? एजेंडे के बारे में पूछा गया कि उनका क्या एजेंडा होगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी ब्लॉक प्रमुख के अंतर्गत योजनाएं आती हैं ग्राम सभा के लिए, वह सब हम पूरा करेंगे। अगर ब्लॉक का कोई कर्मचारी किसी आम जनता को तंग कर रहा है तो सीधे हमसे मिलकर अपनी शिकायत कर सकता है और उसे कोई भी कर्मचारी किसी भी जनता को परेशान नहीं करेगा। इस सवाल पर उनका जवाब, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं, उनको ब्लॉक प्रमुख का टिकट न मिलने का क्या कारण रहा है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात साफ कर दी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक घंटे तक जो बवाल हुआ और पुलिस प्रशासन को गालियां तक दी गई, बीडीसी सदस्य को पीटा गया, उन्होंने कहा कि यह एक जाहिलपना था। विधायक जी को एसडीएम आरओ पर तो विश्वास करना चाहिए। जो वोट नहीं मिले उनको घर आज भी पुलिस भेजी गई। इस मौके पर बधाई देने वालों में विश्राम सिंह, प्रवीण नारायण, मोहम्मद दानिश, इरफान अहमद, अब्दुल रहमान, मोहम्मद ताबिस, टिल्लू सिंह, मोहम्मद जका, प्रधान सुमेर सिंह, अली रजा आदि मौजूद रहे। आप बलिया जिला के सबसे बड़े ब्लॉक सीयर के आप नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हैं, आपका पहली प्राथमिकता क्या होगा? अपने क्षेत्र पंचायत का विकास। आपके एजेंडे में सर क्या है? एजेंडे में सिर्फ विकास है। और किस तरह का जो किस तरह का विकास आप करेंगे? जो ग्रामीण जो है सड़कें खराब है, तमाम तरह की जो है समस्याएं हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में, क्षेत्र पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जो है। आप ये मत बोलिएगा कि पीडब्ल्यूडी सड़क क्यों नहीं हम बनवा रहे हैं, वो हमारा नहीं होता है। गाँव से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो सीधे ब्लॉक के द्वारा की जा सकती है, एक प्रमुख द्वारा की जा सकती है, उसकी प्राथमिकता है। मैंने जो अपने अधिकार क्षेत्र में उसको आप पूरा करेंगे? नहीं, उसके अलावा भी प्रयास किया जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर सरकार कोई ऐसा स्कोप रखी हो कि हम और प्रयास करके और ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। मैंने अलग से भी आप इसके विकास के लिए प्रयास करेंगे? जी जी, बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक जनता की बात है, जनता की जो कुछ भी समस्याएं हैं उसके लिए क्या करेंगे आप? जनता की तो अलग से कुछ समस्याएं आती है, सीधे ब्लॉक को उसका निस्तारण किया जाएगा। कोई भी जनता मेरे पास सीधे अपनी समस्या लेके आती है तो उसका सुनवाई होगी, उसका निस्तारण किया जाएगा। जैसे कोई कर्मचारी उसे परेशान कर रहा हो तो उस स्थिति में आपको तो सुनना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए, कोई कर्मचारी किसी को परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात ये, अब आप चुनाव पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। जी बोलिए। ऐसा चर्चा है कि आपको चुनाव माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी आपको जिता दिए हैं और उनके दबाव में। जहाँ तक मेरी जानकारी, वो हमारे 118 में से कहीं बीडीसी वो नहीं थे, वो बलिया के सांसद हैं और इस समय वो दिल्ली में हैं और उनको हमारे चुनाव से कहीं लेना देना नहीं। ये तो मनधड़क बातें थी। हमारे पारिवारिक रिलेशन है, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है उनसे, हमारा
और उनको इस पचड़े में डालना, बेलसरा रोड की ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उनका नाम लेके आना और बिना वजह मिथ्या आरोप लगाना, ये बिल्कुल निराधार है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं चुनाव जीतूंगा? अरे भाई, जो भी आदमी लड़ता है उन्हीं से लड़ता है ना कि हम जीतेंगे। जो हारा पक्ष होता है वो तो जीत के पहले खुशी मना रहा होता है कि हम जीत गए, हम तो लड़ रहे थे। और हर आदमी जीत के लिए लड़ता है, हम भी लड़े थे और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे जीत मिलेगी। मैंने यह आरोप गलत है कि आपका कोई भी किसी भी तरह से आपको माननीय सांसद जी ने कोई सपोर्ट किया है? बिल्कुल नहीं। अगर उनका सपोर्ट होता तो मुझे टिकट मिलता पहले। सर, जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो लास्ट के एक घंटे का जो कल घटनाक्रम रहा, उस पर कुछ कहेंगे आप? ये टोटल जाहिलपना था, पढ़े लिखे आदमी कार्यकर्ता द्वारा एक जाहिलपना था। एक हमारे विधायक जी हैं, उनको भी इतना भी सेंस नहीं है कि जो संवैधानिक पीठ है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर वो ही उसमें विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर हम आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप किसी को वोट देने से कैसे रोक सकते हैं? वोट देना न देना, उसकी उसकी उसका प्रमाण देखना या उसकी वैधता देखना, उसके लिए तो ऑफिसर थे, लोग थे, SDM थे, अपना यारो थे, सारे लोग थे, उस पर तो विश्वास करना ही चाहिए था ना, ये तो उनकी व्यवस्था थी। और उनको मारना, मार के भगाना, BDC को वोट नहीं देने के लिए प्रताड़ित करना, ये किसी भी विधायक के द्वारा, अगर आप कोई बात लिखनी है तो आप किसी दूसरे सांसद को बीच मत लाइए, इस लोकल विधायक की बात कीजिए कि जो वोट नहीं मिले उनके घर आज भी पुलिस भेजी गई। देखा गया कि BDC मेंबर जो कि बैठे हुए थे, हाँ, उनको भगाया गया, क्या मामला? तो ये हमारे माननीय विधायक जी से पूछे जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों करवाया। ये उनका क्रियाकलाप था, जब उनको लगने लगा कि उनके द्वारा प्रचारित उम्मीदवार हारने लगे हैं तो उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया। आपको टिकट न मिलने का क्या रीजन था? मेरी पूरी बात हो जाने दी। अगर जो आदमी अपनी माँ को BDC नहीं बना सकता है तो किसी को ब्लॉक प्रमुख नहीं बना सकता है। अगर कोई भी उसके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद उसको सबसे माफी मांगनी चाहिए कि एक वार्ड में सिर्फ 7 वोट मिला था उसके माँ को, उनके माता जी को, और वो आदमी दावा करता है कि मैं इनको ब्लॉक प्रमुख बनाऊंगा। ये सरासर बहुत ही जाहिलाना कदम था उनके द्वारा। अभी तो भाजपा के, आपकी टिकट न मिलने का क्या रीजन था आपको? अब इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? नहीं मिलने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें स्थानीय जो लोग थे उनकी सुनी गई और उनका ये मानना था कि ये जो हमारे विरोधी कैंडिडेट थे वो ज्यादा हमसे उपयुक्त थे, इसलिए उनको दिया गया। मैंने आपको नाकाम समझा गया, ऐसा मान सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद।